वेलकम टू लर्निंग इनसाइट। सो वैकेंसी आया है, एजुकेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया से फॉर्म डाल सकते हो, एनी मास्टर डिग्री होल्डर यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे फॉर्म डाल सकता है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो आपका 38 है, सैलरी भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपका स्केल जो है बढ़िया स्केल है, असिस्टेंट प्रोफेसर से भी अच्छे स्केल है यहाँ पे, एंड एजुकेशन सेक्टर में जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, टीचिंग फील्ड में जॉब है आपका तो अच्छा जॉब है यहाँ पे, एंड इसके लिए कोई मास्टर डिग्री होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज किया गया है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलीज किया गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर है, एडवर्टाइजमेंट जो डेट है 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश एजुकेशन सर्विस, ठीक है, जनरल रिक्रूटमेंट है ये सब। एंड यहाँ पे जो स्केल है देख सकते हो, तो आपका सैलरी स्केल भी काफ़ी बढ़िया है, आपका 61,960 से लेके 151,000 रहेगा, तो आपका सैलरी जो होगा वो 85,000 से ऊपर होगा पर मंथ, ठीक है। एज का बात करूँ तो यहाँ पे 18 से लेके 42 ईयर्स तक एज वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जॉब है, इसका मतलब नहीं है कि आप ऑल इंडिया से नहीं फॉर्म डाल सकते, ऑल इंडिया से फॉर्म डाल सकते हैं, आप फ्रेशर्स लुक भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया से अगर आप अप्लाई करते तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, आप ओपन कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि ऑल इंडिया से फॉर्म नहीं डाल सकते, दैट मीन्स आप ऑल इंडिया से फॉर्म डाल सकते हो बट ओपन कैटेगरी में होगा, ठीक है। एंड आपका जो फीस भी काफ़ी कम है यहाँ पे अप्लाई करने के, तो आप ऑल इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन इसका वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, यानी यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोग देख लो, उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आपका एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड 29 जनवरी तक या ओपन रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही होगा, हाँ, कोई ऑफलाइन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। देन आपका इम्पोर्टेंट बात, हाँ, इम्पोर्टेंट डिटेल्स में आप अगर आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जोन वाइज पोस्टिंग होगा, तो ऑल ओवर स्टेट में पोस्टिंग होगा आपका, एंड वैकेंसी का डिटेल्स भी है। अभी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, हाँ, यहाँ पे आप देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फर्स्ट और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, मीन्स मास्टर डिग्री इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट सुइटेबल फॉर एडमिशन इन टू बीएड कोर्सेस। सो यहाँ पे बोला गया कि कोई भी मास्टर डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है कि जिस कोर्स में, जिस मास्टर डिग्री में बीएड कोर्स होता है, ठीक है, बीएड कोर्स मीन्स सोशल साइंस वाले भी, एमएसडब्ल्यू वाले सोशल साइंस में बीएड कर लेते हैं, बाकी लाइक हिस्ट्री बीएड कर सकते हैं सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस, सभी सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट बीएड है लगभग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बीएड चाहिए, यहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिस कोर्स में बीएड पढ़ाया जाता है उसी कोर्स का मास्टर डिग्री चाहिए उन लोगों, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट सभी मास्टर डिग्री के कोई ना कोई सब्जेक्ट में फिट हो जाते हैं बीएड करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा ध्यान में रखो अप्लाई करने के टाइम पे, फीस काफ़ी कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है वो आपका फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास होना है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, दैट मीन्स मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होना है, ठीक है। स्क्रीनिंग भी होगा, शॉर्टलिस्टेड होगा, उसके बाद आपको इनका मीन्स एग्जाम सिलेक्शन होगा, ठीक है। एंड और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो है, ठीक है, हाँ, थोड़ा बड़ा पीडीएफ में शॉर्ट में डिस्कस करूँगा ताकि आपके पास इम्पोर्टेंट बात जो है अब पहुँच पाए, ठीक है। ये एज जो है 18 से लेकर आपको 42 ईयर्स होगा, एंड एज जो कैलकुलेशन है वो बेस ईयर 1/7/2023 से आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन क्या क्या है, कौन सा कास्ट के लिए कितना है, तो आप लोग ये सब देख लेना, कैसे अप्लाई करना है, स्टेप प्रोसेस है, ये सब आप लोग देख लेना, पेमेंट प्रोसेस भी, अप्लाई करने के लिए की फीस भी है, तो फीस काफ़ी कम है, फीस 150 एंड 120 है, अच्छा, हाँ, यहाँ पे देख सकते हो फीस जो है 250 है एंड 120 है, ठीक है। तो 120 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एंड बाकी सबके लिए जनरल कास्ट के लिए एंड ओबीसी के लिए, ओबीसी नहीं, जनरल कास्ट एंड अदर्स के लिए वहाँ पे 250 है, तो 120 एंड 250, ठीक है। एंड देन मोड ऑफ पेमेंट ये सब आप लोग देख लेना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका
पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन एंड आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम सेंटर जो है सभी आप लोग देख सकते हो, ये सब एग्जाम सेंटर है आपका, सुइटेबल एग्जाम सेंटर आप लोग चूज कर लेना अप्लाई के टाइम पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सभी एग्जाम सेंटर है, ठीक है। एंड ओमर शीट पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। देन यहाँ पे और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है। एंड इसकी ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी का डिटेल्स, हाँ यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम में जो आपका जो काट ऑफ होगा वो मिनिमम कितना आपको आपको लाना है, 40% फॉर अदर कास्ट, बैकवर्ड क्लास के फॉर 35% एंड एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए 30%, ठीक है। सो यहाँ पे जो हाँ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। एंड आप लोग जाके क्या करोगे, पहले आप लोग वेबसाइट में जाके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना। हाँ नीचे जाके आपको डायरेक्ट वेबसाइट में डायरेक्ट नीचे जाके आपको मिलेगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन हो जाएगा आपका आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन एंड ओल्ड नोटिफिकेशन बोल के कुछ रहेगा पोर्टल में। उसके बाद आप न्यू नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी ब्रेकअप भी है। ओपन कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसी है, यहाँ पे देखो जोन वाइज वैकेंसी, ये सब आप लोग देख लेना एप्लीकेशन के टाइम पे, अगर कौन सा जोन में आपको इंटरेस्टेड हो तो ये सब देख लेना। एंड आपका जो पेपर रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वो है आपका जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी के ऊपर रहेगा, 150 मार्क्स का, ठीक है। देन आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन के कुछ और सब्जेक्ट रहेगा। एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा वो मोस्टली एजुकेशन रिलेटेड फील्ड का रहेगा, तो कोई भी अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए जो जनरल पेपर रहता है उससे वही सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मैच होता है। उसके साथ साथ एजुकेशन पेपर भी बहुत सारा मैच होगा। एंड आपका जो कोई सीटेट टेट देता है उसका एजुकेशन पेपर भी मैच हो रहा है। तो बेसिकली आप जो लोग टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है उनके साथ ज़्यादा ही मैच हो रहा है, तो वो लोग आराम से एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, मैं इतना डिस्कस करूंगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बात को ख़त्म करता हूँ, और आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा देख लेना। उसके बाद अगर इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, देन डेफिनेटली अप्लाई कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देना। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा कर रखना, तब आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है।